हाँ अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक हाँ सर, है, अब देखो ना, अपने को जीरो से वन हाँ में सर, सॉल्व करना है ना, अपन को जीरो से वन में सॉल्व करने का है ना, तो सीधा आंसर आ जाएगा ना, कितना आएगा बताओ? -2/1+x2। ये बात चमकती है क्या? अगर प्रॉपरली सॉल्व करना हो तो बताओ, तो कैसे करेंगे? प्रॉपरली मतलब पूरा सेट में, तो डोमेन मालूम है ना, डोमेन क्या होगा? अरे हेलो, हाँ सर, हाँ सर, इस सिस्टम का डोमेन यू नीड टू नो ना, हाँ सर, तुम यहाँ पे, हाँ डोमेन क्या होगा? आर होगा ना यहाँ पे, है आर होगा। ना? हाँ डोमेन आर होगा। तो हाउ वी विल सॉल्व बताओ, कि बताओ फिर अपने पास कंडीशंस क्या क्या बन जाएंगी, कि अपने पास एक्स सर, लेस देन जीरो, बिलोंग कर रहा है क्या बेटा? क्वेश्चन में दिया है, एक्स बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 1। हाँ, मालूम है, उसके उसके लिए सॉल्व कर दिया ना, उसके लिए सॉल्व कर दिया, उसके लिए आ गया ना आंसर -2/1+x2। ठीक है, अभी मैं इसको पूरे आर में सॉल्व करना चाहता हूं, आर में। तो क्या होगा बताओ? एक्स अगर लेस देन जीरो है तो क्या हो जाएगा बोलो? +2/1+x2। आपको ये चैप्टर सीखना है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, और यहाँ पे क्या आएगा? -2/1+x2। इतना क्लियर है क्या? एक्स इक्वल टू जीरो पे देवयानी बताओ, डिफरेंशिएबल है कि नॉन डिफरेंशिएबल है? देवयानी, हाँ सर, डिफरेंशिएबल है कि नॉन है डिफरेंशिएबल है? एक्स इक्वल सर, टू जीरो पे डिफरेंशिएबल है? लेफ्ट नहीं सर, लेफ्ट नहीं साइड, है। लेफ्ट साइड से टेंजेंट का स्लोप कितना है प्रोनति? लेफ्ट साइड में 2 है। लेफ्ट साइड में 2 है और राइट साइड में -2 है, नॉन दोनों बराबर नहीं है ना, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज नॉन डिफरेंट। ये एक्सरसाइज जैसे मैं सिखा रहा हूं करके दिखा दोगे, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। ये बात समझ सबको आती है क्या? हाँ सर, हाँ ठीक है, नेक्स्ट बोलो। तुमने अगर इंटरवल्स में डिफरेंशिएट किया है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है, बट व्हाट आई विल सजेस्ट, 9 से लेके 15 तक में इंटरवल्स को कट कर दो, डिफरेंशिएट ऑन आर और ट्राई टू फाइंड ऑन आर। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बोलो। 5.3 अच्छी एक्सरसाइज है अपने सिलेबस के लिए, आईआईटी के लिए, जेईई मेंस के लिए, आईआईटी एडवांस के लिए, सबके लिए अच्छी है। नेक्स्ट बोलो, 15th वाला। 15th वाला। ठीक है, रब करें क्या इसको, रब करें? हाँ सर, सर एक बार इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करेंगे तो सर कैसे करेंगे, एक बार समझेंगे। पहले तो इसको आप लिखोगे π/2 cos−1−x2/1+x2, और अभी tan−1 x = θ। अभी tan−1 x = θ, ओके ठीक सर, है? नेक्स्ट बोलो। कॉपी कर लिए? हाँ सर, हाँ सर, कोई 15th बोल रहा है, y = sec−1, और अगर कोई स्पेशली जिन लोग को इंटरेस्ट है ज्यादा परेशान, मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने में, तुम्हारी रिक्वेस्ट इज 9 से लेके 15 तक फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करके देखना। ठीक है, इट विल बिकम वेरी लेंदी प्रॉब्लमेटिक, बट माय रिक्वेस्ट इफ पॉसिबल फॉलो दैट। ठीक है, एनीवेज चलो डिवाइड बाय डीएक्स निकालते हैं। तो डिवाइड बाय डीएक्स क्या होता है? 1/mod(2x²−1) √(2x²−1)² (4x)। सर 1 − x² होता क्या बात कर रहे हो, हमने डिफरेंशिएट क्लास में किया है, है और आपके ऊपर डिनोमिनेटर। में, अबे ऊपर में लिखा है, पढ़ो ऊपर में लिखो, sec−1 का डिफरेंशिएशन देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा
सॉरी सॉरी नहीं नहीं माय मिस्टेक, मैंने एक गलती कर दिया. दिस विल बी वन बाय, यहाँ पे इसमें माइनस आता है प्लस आता है, इसमें प्लस ही आता है, प्लस आता है. हाँ मैंने ये गलत लिखा ना, वन बाई टू ये लिखना था मुझे, इंटू वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस वन इंटू वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू फोर एक्स. ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर. अरे हाँ, मैंने आप लोग एक काम कहा था यार, स्टेट बोर्ड का मतलब सौ ये ढूंढने को, किसी ने सॉफ्ट कॉपी ढूंढा क्या ऑनलाइन? नहीं सर, भूल गए सर. या करो तो कुछ तो करो. चलो भाई इसमें आ जाओ और ध्यान देना, मैं इसको ध्यान नहीं रख रहा हूँ फिलहाल. ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ? वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड का स्क्वायर बन जाएगा ना बेटा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? वन माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर का रूट इंटू माइनस वन बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू फोर एक्स. अरे ये बात समझ में आती है क्या सभी को? हाँ सर. नीचे बताओ क्या बन रहा है, इधर को बताइए क्या बन रहा है, बोलिए. यहाँ क्या बन रहा है बता सकते हैं? क्या बनेगा बोलिए. फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स की पावर फोर. बढ़िया, शाबाश. ठीक है, अब ये आ गया मेरा डीवाई बाई डी एक्स. मैं तो आर में बात करूंगा, है ना? चलो आर में बात करते हैं. बताओ आर में बात कर सकते हो मेरे साथ? करो आर में बात. कौन कौन सा पॉइंट सीधे हट गया? ये और ये तो हट गया ना. हाँ सर. लेकिन 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 ये हटते ही क्या हट गया? प्लस माइनस वन बाई रूट टू. ये हटते ही क्या हट गया? प्लस माइनस वन बाई रूट टू तो सिस्टम से ही हट गया ना. अरे हेलो, प्लस माइनस वन बाई रूट टू जो है वो तुम्हारे सिस्टम से ही हट गया ना बॉस. हाँ सर. पता नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग को? हाँ सर. तो प्लस माइनस वन बाई रूट टू पे क्या होगा? प्लस माइनस वन बाय रूट टू पे क्या होगा? फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा? हेलो हेलो सर, नॉन डिफरेंशिएबल होगा. क्यों? क्योंकि डोमेन में ही नहीं आ रहा है. क्योंकि डोमेन में ही नहीं आ रहा है. क्योंकि डोमेन में ही नहीं आ रहा है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा. ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग जो फंक्शन है ना, ये देखो यहीं पर ही डोमेन में नहीं है. एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन बाय रूट टू यहीं पे नहीं है ना यार, तो आगे होने की बात नहीं है. तो सर आपका वीडियो यार, ये ठीक है, ये स्टार्टिंग में डोमेन में नहीं है, ये बात समझ में आती है? तो मेरे पास क्या आ गया बताओ? माइनस फोर एक्स बाई टू मॉड एक्स इंटू वन माइनस, बोलो यार वन. हाँ अब बताओ क्या होगा? एक्स लेस देन जीरो. एक्स लेस देन जीरो. एक्स लेस देन जीरो पे कितना आएगा? टू बाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर. और एक्स लेस देन जीरो पे माइनस टू बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? और ऑब्वियसली बात है, हम ध्यान रखेंगे नॉट इक्वल टू माइनस वन बाई रूट टू, नॉट इक्वल टू प्लस वन बाई रूट टू. एंड माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, जो कर सकते हैं, टाइम है, समय है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकाल के देखना, काफी मजा आएगा. अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर. ठीक है, तो मैं एक और टर्म तुमको एक और चीज पढ़ा देता हूँ फिर. ठीक है, एक नया वर्ड पढ़ाता हूँ, डोमेन ऑफ एफ डैश. Domain of f dash x, it is subset of domain of fx
where f dash where fx is derivable. क्या मतलब है बताओ तो इसका? डोमेन ऑफ f dash x. बोलो क्या समझ में आया, मतलब क्या है डोमेन ऑफ f dash x? क्या होगा? इट इज अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ एक्स. पहली बात तो जो f का डोमेन है उसका उसको क्या होना पड़ेगा? सबसेट. भाई अगर f के तो डोमेन में पॉइंट होना चाहिए ना. अगर f के ही डोमेन में नहीं है और तुम उस पर टेंजेंट निकालने चले गए तो गलत हो गया ना पूरा. तो पहली बात इट शुड बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f, है ना. और इट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f एंड consists of point where fx is derivable. अरे हाँ या ना, ठीक है. तो बताओ इस केस में f dash का डोमेन क्या होगा? बोलो इस क्वेश्चन में f dash डोमेन क्या होगा बताओ? रियल माइनस प्लस माइनस 1/√2 0, 0. ये बात समझ में आती है? हाँ सर. कॉपी करिए. फाइव पॉइंट फोर बोलो सर. सिक्स्थ वाला सर वो फाइव पॉइंट फोर सिक्स्थ वाला ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की पावर फाइव. हम बोलो उसमें दिक्कत क्या है? बोलो मधुकर बताओ. मैं बस स्टेप वाइज करूं क्या? डीवाई बाई डीएस क्या होगा बताओ तो? e to the power x. जिसका भी डाउट था क्लियर है क्या ये स्टेप? हाँ सर. फिर डाउट क्या है? मैं जानबूझ के सारे स्टेप लिख रहा हूँ एक बार फाइनली, ठीक है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? e power x आ जाएगा. यहाँ पे कैसे e की पावर x स्क्वायर अपन इंटू टू ए इंटू डी. अरे ये बात समझ में आती है ना? e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e की पावर x क्यूब. बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? तो हो गया ना? तो हो गया ना? अरे बोलो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर. हाँ हाँ नेक्स्ट बोलो. चलो नेक्स्ट 5. हाँ बोलो. हेलो क्या बोल रहे हो? सेवेंथ. e की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स क्या हो गया? बोल इसमें क्या दिक्कत है? बोल. पहली बात ये बताओ इसका मतलब पता है ना? रूट का मतलब क्या होता है? रूट एक्स की पावर हाफ लिखा है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? बोलो. हाफ को ये मालूम है कि नहीं मालूम? पहले ये बताओ. हाँ सर. है ना? तो अभी डीवाई बाई डीएस कितना होगा बताओ?
अरे सही लिखा गलत लिखा हुआ चेक करो, सही लिखा होगा मैंने। सही है सर, सही है सर। अरे सबको क्लियर है ना अच्छे से? नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर नाइन्थ वाला आदित्य कुंटे करके आयो कि नहीं करके आयो आज भी? हो गया है सर। इसमें क्या दिक्कत है तुमको? जिसने पूछा है बोलो क्या दिक्कत है? UIV लगाने आता है कि नहीं? मैंने सारा ड्राइव कर रखा है फॉर्मूला। लॉन एक्स इनटू डी कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी माइनस लिखना होता है बोर्ड में वहां पे, ध्यान रखना लिखना होता है तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एक्स इनटू कॉस एक्स। हाँ फिर क्या दिक्कत है बताओ? लॉग एक्स का होल, लॉन एक्स का होल स्क्वायर। हाँ नेक्स्ट बोलो। चलो बोलो बोलो बोलो। 5.5 क्या हो गया? अभी सब लोग बोल कर क्या है, वो चुप हो गए। 5.5 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, आंसर मैच होना चाहिए पीछे, सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन, कौन सा करना है? टेंथ वाला। टेंथ वाला x की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर माइनस, क्या दिक्कत बेटा इसमें? इसको u मान लो, इसको v मान लो, ठीक है? तो dy बाय dx क्या होगा? du बाय dx प्लस dv बाय dx, ठीक है? अब u क्या लिखा है? x की पावर x cos x ना, दो साइड लॉन ले लो तो क्या होगा बोलो? x cos ln u x cos x into ln x, ठीक है? अभी दो से डिफरेंशिएट किया du by dx और यहां पर क्या हो जाएगा? x cos x into 1 by x plus x ln x into minus sin x plus cos x ln x into 1, तो du by dx कितना आ गया? cos x minus x sin x ln x plus ln x cos x। अरे इतना क्लियर है क्या? ठीक है अब बताओ dv by ds कितना आएगा? सर वो सिर्फ ln x होगा ना सर, वो थर्ड वाला कहां पे? हाँ 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 सॉरी, और बाहर में मल्टीप्लाई भी है ना u, u क्या था? x की पावर x cos x cos x। अभी dv by ds कितना होगा? x स्क्वायर माइनस 1 इनटू 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 2x बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे जिसका भी डाउट था, आर यू क्लियर नाउ? हेलो बोलो बोलो बोलो, ठीक है? हेलो हाँ सर। 5.5 में आपका आंसर आना ही चाहिए। नेक्स्ट बोलो सर। 18 18th वाला लॉग से बताएंगे। हाँ हाँ कौन सा करने बोलो सर? 11th 18 11th वाला।
वही वापस से u पकड़ लो, v पकड़ लो, तो u इज इक्वल टू x cos x की पावर x. अगर डाउट बता दोगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा मेरे लिए. लॉन u इज इक्वल टू x. सर उसका मैच नहीं कर रहा. नहीं, अगर तुम इसका ये मैच नहीं कर रहा. हाँ सर. तुमको कैसे मालूम हो क्या लिखा हुआ है? x sin 1 by x. लॉन ले लो, लॉन v इज इक्वल टू 1 by x लॉन x इंटू साइन x. ठीक है, तो अभी थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं इसको चाहे तो. क्या ही करना है, सीधा डिफरेंशिएट मारो बे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 by v dv by dx इज इक्वल टू कितना आएगा? तो दिक्कत तो है इसमें, अभी चेन रूल वगैरह लगेंगे ना बहुत ज्यादा. तो 1 by x बाहर आया है ना, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 1 by x साइन x इंटू x cos x प्लस साइन x. आई होप फॉलो कर पा रहे हो जिसने पूछा था. माइनस लॉन x इंटू 1, फर्स्ट टर्म 1 by x इंटू 1 by x साइन x ही आएगा ना. क्या हुआ, मैं u by v लगा रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं. हाँ सर, मैं फर्स्ट टर्म देख रही थी. ठीक है, नेक्स्ट बोलो. 18th बोल रहे हैं लोग. 18th में कुछ नहीं करना है, f इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू ले लो. तो लॉन f क्या होगा, लॉन v लॉन w. डिफरेंशिएट करो, क्या होगा, 1 बाई f डैश, सॉरी 1 by f df by dx is equal, ये तो बनना चाहिए यार, 1 by u plus 1 by v plus 1 by w into du by dx dv by dx dw by dx. अभी f से मल्टीप्लाई करोगे u v w, तो u u कट जाएगा, यहाँ पे u v w, v v कट जाएगा, u v w w हो गया. अरे इतना क्लियर है क्या सर? 15. हाँ सर, 15 तो वाला. दोनों साइड लॉन ले लो ना, एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई. टेक बोथ साइड लॉन, तो लॉन एक्स प्लस लॉन वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई. वन बाई एक्स प्लस वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन माइनस डी वाई बाई डी एक्स. तो क्या आ जाएगा, वन माइनस वन बाई एक्स by 1 by y plus 1 is equals to dy by dx. ये क्लियर है? हाँ. next बोलो. अरे भाई हो गया, ये आगे बढ़े. हाँ सर. 8.6 बोलो. 11th वाला सर. 7th का शायद आंसर नहीं आता है किसी कुछ बुक में, देख लो एक बार. 7th का आंसर आता है क्या श्रेया? हाँ सर. 7th का आंसर आता है नहीं आता है? आता है सर. x is equals to sin cube t by cos 2t, y is equals to cos cube t by cos 2t. तो क्या करें इसमें, एक तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं कुछ करके, t एलिमिनेट कर सकते हैं क्या अपन? हेलो, कोई अंतर नहीं पड़ता, कर ही दो भाई डिफरेंशिएट. डीवाई बाई डीएस कितना आ रहा है बताओ? ओ भाई बहुत गंदा. कुछ अच्छा सब्सटेंस तो दिख रहा है क्या इसमें? पिछले कुछ अच्छा किया है क्या, ये बताओ मुझे. हेलो, अरे कैसे किया है ओम व्याकुल, कैसे किया है सर? dx by dt dy by dt. बाप रे बाप, बाप रे. कुछ अच्छा नहीं सोचा क्या यार? कुछ अच्छा हो सकता है क्या यार? x
पावर थ्री बाई एक्स की पावर टू बाई थ्री प्लस वाई की पावर टू बाई थ्री कितना हो जाएगा? अरे बोलो भाई कितना हो जाएगा? वन बाय कॉस टू टी रेस टू वन बाय थ्री। कॉस टू टी रेस टू वन बाय थ्री। ना कॉस टू टी ये कोई अच्छा तो है नहीं, मतलब मैं क्या ही कर तो सकता हूँ। अब इन दोनों को डिवाइड करके मैं एक्स बाई वाई का पावर वन बाई थ्री लेते आऊंगा टेन टी, ठीक है। और कॉस टू टी कितना होता है मालूम है ना? वन माइनस टेन स्क्वायर टी बाई है ना। अभी एक्स बाई वाई पुट कर देता हूँ मैं, कितना आ रहा है ये बताओ? अरे बोलो कितना आ रहा है? एक्स बाई वाई टू बाई थ्री, तो वाई की पावर टू बाई थ्री प्लस एक्स की पावर टू बाई, कुछ बहुत अच्छा तो नहीं आया मेरे ख्याल से, पर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं बनाया कि मतलब हम बहुत खुश हो जाएं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। नॉट अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन बाद में गया, कोई बात नहीं, ठीक है। फिर तो वही करो जो बोला हूं, बिल्कुल। उसमें क्या हेल्प क्या चाहिए बताओ? dx by t निकालो मैं तुम्हारे लिए, कितना आएगा बताओ? चलो तुम प्रोसेसराइज कर रहे हो, मैं निकाल देता हूँ। मैं कुछ करूंगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा बीच में, ये बात ध्यान रखना। इतनी हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं पूरा पेशेंस नहीं है मेरे अंदर, मैं पूरा डिफरेंशिएट करूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको मैं ज्यादा मदद कर नहीं पाऊंगा। साइन क्यूब टी इंटू वन बाई टू कॉस टू टी माइनस टू साइन टू टी बाई कॉस टू टी, और डीवाई बाई डी एक्स भी निकाल लो, कितना आ रहा है डीवाई बाई डी टी? अरे बोलो, कॉस टू टी इंटू थ्री कॉस स्क्वायर टी माइनस साइन टी। ये तो मतलब कि बच्चा मुझसे बदला ले रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व करवा के ऐसी फील आ रही है। कितना आ गया बताओ? कॉस टू टी है ना, दोनों को डिवाइड कर दो। जिसका भी डाउट था क्लियर है क्या? कुछ मैं कर नहीं सकता हूं, ठीक है। इलेवेंथ वाला इसमें कुछ अच्छा दिख रहा है या किसी को? मुझे दिख रहा है, तुम बताओ। पैरामेट्रिक में हमेशा एक बार सोचना चाहिए कि कुछ अच्छा हो सकता है क्या। अरे बोलो, इलेवेंथ वाला मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? साइन कॉस इनवर्स टी ऐड हो जाएंगे तो पाई एक्स वाई इज इक्वल्स टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या लिख रहा हूँ मैं, पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, कोई नहीं पता। एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन इनवर्स टी का रूट है, और वाई कितना है? ए कॉस इनवर्स टी का रूट। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है? एक्स वाई इक्वल्स टू बोलो कितना आ गया? ए की पावर पाई बाई टू। अभी डिफरेंशिएट कर दो, एक्स डीवाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल जीरो, सीधा आ गया ना। हेलो सर। हाँ सर। हम बोलो नेक्स्ट बोलो। 5.6 हो गया ना। हाँ सर। अरे 6.3 में किसी को वापिस से पूछना है क्या?
6.3 में कोई वापिस से पूछना चाहता है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। हेलो हेलो, नहीं सर, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। देखो y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x + 2e की पावर 3x, प्रूव दैट d2y/dx2 - 5dy/dx + 6y = 0। दूसरा y = sin inverse x, prove that 1 - x²dy/dx - x dy/dx = 0। सॉल्व करो। क्वेश्चन कॉपी करो पहले। सर वो थर्ड क्वेश्चन में 2e की पावर x + 1 है। हाँ
सर पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाला पहले उसका सब्स्टिट्यूट किया उसमें निकाल के वो भी एक तरीका होता है ठीक है वो एक तरीका होता है और एक तरीका और होता है उससे मैं कर दे रहा हूँ ठीक है वो ऐसा होता है देखो क्या है कि आई थिंक ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा तुमने किया है सही किया मैं फालतू में कंफ्यूज करूंगा तुम लोगों को कि डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो और चलेगा ना डीवाई बाई डी एक्स निकाल लो और डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल लो और पुट कर दो ऐसे किया ना डीवाई बाई डी एक्स कितना है बताओ सिक्स ई की पावर टू एक्स प्लस सिक्स ई की पावर थ्री एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू कितना आया 12 e की पावर 2x 18 e की पावर 3x है ना अब इसको डाल दो यहाँ पे आ जाना चाहिए हाँ सर ठीक है सेकंड क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x ठीक है मैं जो मेथड कह रहा था मैं दिखा देता हूँ ठीक है देखो यहाँ पे डिवाइड बाय डीएस क्या होगा 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ठीक है अगर अब ध्यान से सुना दो मेथड होते हैं इसके बाद एक मेथड होता है कि तुम डी टू वाई बाई डी एक्स निकालो ठीक है और पुट कर दो सही है मैं क्या कर रहा हूं मुझे बताओ कि अगर मैं सीधा यहां पर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो सीधा ही डी टू वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ना हाँ सर अगर हाँ. मैंने सीधा ही डिफरेंशिएट कर दिया तो डायरेक्टली आपका डी टू वाई बाई डी एक्स बन जाएगा ना है या ना हाँ सर लेकिन हम लोग मैं ये चाहता हूं कि डी टू वाई बाई डी एस टू बने लेकिन साथ में डी वाई बाई डी एस भी बने तो मैं क्या करूं ये देखो करके. हाँ 1 बाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ठीक है अब डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल लगा के कितना आएगा बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मैं ये मेथड कह रहा था अरे बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा हाँ सर दिख रहा है सर 1 by 1 minus x square into minus 2x. अरे ये क्लियर है क्या मैं क्या बोल रहा था समझे तो ये मेरा मेथड था मेथड टू कि मैंने जो दिया है ना मैं उसी को डिफरेंशिएट करके कुछ ऐसा करके करूंगा कि डिवाइड बाई डी एक्स एक बार में खत्म मत हो जाए रुक जाए बच जाए इतना क्लियर है कॉपी करो इसको 1 और 2 कॉपी करो प्राउड 1-2 कॉपी करो मैं बाकी 6 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तो सेकंड हो गया है ना थर्ड बताओ थर्ड कैसे करेंगे बताओ अभी थर्ड में दो तरीके हो सकते हैं करने के मैं दोनों तरीके से कर रहा हूं देखो इस चैप्टर का बहुत जरूरी है अच्छे से करना ठीक है थर्ड सर टू एक्स को टू रेस टू एक्स को टैन थीटा पर कर सकते हैं हाँ वो कर सकते हैं और डायरेक्टली भी तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं डीवाई बाई डी एस कितना होगा बताओ 1 by 1 minus बोलो मैं तो इसका differentiability चेक करेगा to power x plus 1 to keep power x plus 1 by 1 by 4 keep x का whole square into 1 plus 4x है ना into 2 raised to by derivative of 2 to power x plus 1 मैं लिख 2x plus 1 into d by dx of एग्जाम में जैसे लिखना है वो मैं दिखा रहा हूँ तुमको और यहाँ पे कितना आएगा नीचे में 1 plus 4x square ये बात समझ में आती है हाँ, अभी सिंपलीफाई कर लो बताओ कितना आता है लास्ट तक बोलो क्या ये तो कट जाएगा है ना और ये 1 plus 4x का होल स्क्वायर बन के नीचे में क्या बन रहा है बताएगा कोई मुझे 1 plus 4x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 की पावर 2x ठीक है और यहाँ पर क्या बनेगा कुछ बहुत अच्छा नहीं बन रहा है वैसे क्या बन रहा है बताओ 1 प्लस 4 की पावर x 2 की पावर x प्लस 1 है ना
तो 2 की पावर x प्लस 1 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 की पावर x लॉन 2 माइनस 2 की पावर x प्लस 1 आई थिंक कर लोगे ना इसके आगे यार। हाँ सर, ये एक तरीका है करने का। या तुम चाहो तो इसमें सब्स्टिट्यूट भी कर सकते थे मेथड 2 में, क्या कर सकते थे, 2 की पावर x को tan थीटा, ठीक है, तो क्या बन जाता बताओ, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, अरे कोई बोलो तो, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। अभी 2 की पावर x कैसा होता है, थीटा की रेंज क्या आएगी, 0 से 1, 0 से π/2, हम बोलो 0 से π/2। हाँ सर, तो फिर यहाँ पे क्या रेंज वेंज में क्या फर्क, कुछ गड़बड़ी क्या हो रही है फिर, 2 थीटा के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, 2 थीटा के लिए ब्रेक करना पड़ेगा, तो फिर क्या कुछ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट फंसने वाला है क्या, तो फिर तो यहाँ पर भी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट आना चाहिए था, तो देखते हैं ना कितना आ रहा है, थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो 2 थीटा बिलोंग्स टू 0 से π, तो ब्रेकिंग क्या होगी इसकी, 2 थीटा, तो थीटा तुम्हारा जब 0 से 1 है, नहीं π/2 है, समथिंग इज गड़बड़ यार, क्या गड़बड़ हो रहा है, 0 से 1 हुआ ना, 0 से π/2, तो 2 थीटा 0 से π पहुंच गया, तो 0 से π/2, अच्छा 0 से π/2 नहीं, आह क्या कर रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, तो थीटा तुम्हारा 0 से π/4 है ना, तो तुम्हारा x जब है 0 से 1, तुम्हारा x जब 0 से 1 है, x तुम्हारा जब 0 से 1 है, आह नहीं मैं क्या कर रहा हूं, मैं प्रॉपरली ब्रेक कर रहा हूँ तमीज से, थीटा तुम्हारा 0 से π/2 से पाई के पीछे ये π/4 आ गया, π/4 आ रहा है, कुछ तो गलती हो रही है, मैं पता ही नहीं गलती क्या हो रही है, यहाँ पे क्या बन गया 2 थीटा, और थीटा तुम्हारा जब π/4 से π/2 है, तो ये क्या बन जाएगा π-2θ, तो कुछ तो ये नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट क्यों आ रहा है, 2 tan इनवर्स x, और ये x तुम्हारा कहां से कहां आ जाएगा, थीटा 0 है ना तुम्हारा 1 से 2, नहीं tan 0 माइनस इनफिनिटी, तो गलती हुई है पर, हाँ tan 0 ना, माइनस इनफिनिटी से 0, माइनस इनफिनिटी 0 नहीं, माइनस इनफिनिटी से tan थीटा tan π/4 1 0, और यहां पर x तुम्हारा 0 से इनफिनिटी π-2tan-1x, अरे ये बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है, tan सर 2 की पावर x प्लस 1 है ना, मैंने 2 की पावर x को tan लिया है ना, तुम इसको ऐसा लिख लो ना, ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है, 2/1 + x² - इनफी से x less than 0,
और पाई माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स तुम्हारा जीरो से इन्फी, तो जीरो पे क्या आ गया बताओ तो? सर वो सिर्फ माइनस टू बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर होगा ना? हाँ 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 हाँ, जीरो पे कितना आ गया? नॉन डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल, तो यहाँ से भी आना चाहिए ना हमारा। अब यहाँ पे ध्यान से करते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं आया देखा जाए, यहाँ पे कुछ मिस किए थे क्या अपन? थोड़ा सिंप्लीफाई करो ढंग से इसको, क्या बन रहा है देखो तो। अगर जीरो वहां से आया है तो जीरो यहाँ से ही बाहर आएगा, क्या बन रहा है बताओ यहाँ पे, सिंप्लीफाई करके बताओ। फोर की पावर एक्स माइनस वन का मॉड भी बनता है इसकी वजह से ना। हाँ सर, वन प्लस फोर एक्स का होल स्क्वायर, एक बार लिख देते हैं ना, एक बार लिख के कर ही लेते हैं ना। अब तो बीच में फंसने से फायदा नहीं है, अब तो लिखूंगा ना प्रॉपरली। टू इंटू टू की पावर x इंटू लॉन टू, और यहाँ से कितना आ रहा है, टू की पावर x इंटू टू इंटू वन तो कट जाएगा तुम्हारा, और ये आ जाएगा कितना, लॉन फोर, लॉन फोर को टू लॉन टू इंटू फोर की पावर x। अरे ये बात समझ में आती है क्या? ठीक है, तो अभी तो सिंप्लीफाई करो ऊपर में, बताओ क्या बन रहा है। लॉन टू तो बाहर आ गया, अभी क्या लिखा है बोलो सर? लॉन टू पार एक्स प्लस वन लॉन टू इंटू वन माइनस फोर की पार एक्स बनेगा न्यूमरेटर में। रुक जा भाई, लॉन टू तो बाहर निकाल लिया मैं, लॉन टू दोनों में आएगा ना, मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तमीज से करने दो मुझे भी। ये कितना बन रहा है, ये टू टू भी बाहर आ गया ना, एक और टू बाहर आ गया। ठीक है, अभी क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर एक्स इंटू फोर की पावर एक्स माइनस टू इंटू टू की पावर एक्स फोर की पावर एक्स, तो अच्छा इंटू टू लॉन टू। अब ये लिखा हुआ है टू की पावर एक्स माइनस टू की पावर एक्स इंटू फोर की पावर एक्स, ओके। अरे समझ रहे हो ना, उस तरीके से भी हमेशा आएगा। ठीक है, अब नीचे में आते हैं, तो नीचे में क्या बचा हुआ है, आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है, लोगों को समझ में आना बंद हो गया होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है नीचे में बताओ, वन प्लस 4 की पावर 2x प्लस 2 इंटू 4 की पावर x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x। अरे ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो ये कट के तुम्हारा क्या बन जाएगा फाइनली, 1 माइनस 4 की पावर x का मॉड। चमका, तो यहां से भी क्या आ गया पॉइंट, किस पॉइंट पे चीजें ब्रेक होंगी, यहाँ पे ये जीरो होगा ना, और ये जीरो कब होगा, x इक्वल टू जीरो पे, ये बात चमकती है, वो सेम चीज आ गई ना वापस से। अच्छा, बट एक चीज मुझे अजीब लग रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे गलत किया है ना मैंने, ये tan इनवर्स x नहीं था ना, ये tan इनवर्स 2x था, और ये tan इनवर्स 2x था है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 प्लस 2 की पावर x 1 प्लस 4x, और यहाँ पर भी 1 प्लस 4x, और ऊपर में जाएगा लॉन 2 इंटू 2 की पावर x, लॉन टू इंटू टू की पावर एक्स। अरे बात चमक रही है क्या, मैंने क्या किया है? तो वीडियो ऑफ हो गया आपका। अरे सबको बात समझ में आ रही है मैंने किया है, यहां से इसका एक ही पावर कटा था ना, नीचे में रह गया ना ये वन प्लस फोर की पावर एक्स। हाँ सर। अरे ये सबको क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर, सभी लोग क्लियर है दोनों मेथड से? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कॉपी कर लो इसको अच्छे से। सर आपका वीडियो ऑफ हो गया।
वीडियो वापस अरे कॉपी कर लिए क्या सभी लोग? सर एक मिनट कॉपी कर लिया क्या अच्छे से? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ तो? y equals x की पावर x की पावर x की पावर x। हाँ, y equals to x की पावर x की पावर x की पावर है ना। इसमें कैसे करते हैं देखो, ये ट्रिक होता है, कुछ है नहीं। जहां पे पहला पॉइंट ऑफ रिपीटेशन है ना, उसको वापस से y मान लो। तो क्या लिखा हुआ है? y equals to x की पावर y, ठीक है। अभी सिंपल हो गया, ln y equals to y ln x, 1 by y dy by dx is equals to y by x plus ln x dy by dx। तो dy by dx तुम्हारा आ जाएगा y by x 1 by y minus ln x। अरे क्लियर है ये कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट क्या था बताओ सर? y is equals to equal to 1 upon x plus x upon 1 plus x upon 1 plus x upon ऐसे सेम हो गया, समझे ना? ये पहला पॉइंट ऑफ रिपीटेशन है ना, तो y is equals to x by 1 plus y। ये बात समझ में आती है क्या? तो क्या लिखा हुआ है? y plus y square। अरे भाई क्लियर है क्या? dy by dx plus 2y dy by dx। चमक रहा है फंडा डिफरेंशिएट करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन था लास्ट वाला, बताओ क्या था सर? वो एक्स स्क्वायर नहीं होगा ना? हाँ सॉरी, एक लास्ट क्वेश्चन था, बताओ क्या हुआ सर? वो वन होगा ना फिर? कहाँ पे बेटा? किस जगह पे सर? वो एक्स डिफरेंशिएट हो जाएगा तो वन हो जाएगा ना? हाँ। अच्छा हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? इफ टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑफ कर्व एक्स वाई इक्वल टू 1। हाँ ठीक है, कोई भी कर्व दिया हो, अगर नहीं ड्रॉ करने आता है ऐसा बना दो, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसके किसी भी पॉइंट पी पे तुमने क्या बनाया है? टेंजेंट, जो यहां पर मिला है ए पे और यहां मिला है बी पे, ठीक है। तुमको इस टेंजेंट के एरिया की बात कर रहा है, यही करना है ना। तो एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो पहले तुमको क्या चाहिए? ए चाहिए और बी चाहिए? अरे यस और नो। तो इस पॉइंट को एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट ले लो, ठीक है। तो ये रिलेशन आएगा कि नहीं आएगा इतना बताओ? हाँ सर। हाँ सर। अरे अमित क्लास में रहते हो, कहाँ हो आजकल अमित? हाँ सर। पढ़ाई चल रही है, छोड़ दिया पढ़ना, थक गया, हिम्मत हार गया? अरे जवाब तो दे, हिम्मत हार गया कि पढ़ रहा है?
लग नहीं रहा है y माइनस y नॉट इज इक्वल टू m इनटू अमित हार नहीं मानो ठीक है बहुत समय है m इनटू x माइनस x नॉट ठीक है m क्या होगा माइनस वन बाय एक्स नॉट स्क्वायर हाँ y इज इक्वल टू वन बाय x तो dy बाय ds क्या होगा माइनस वन बाय एक्स नॉट स्क्वायर है ना तो कितना आ गया बताओ तो y माइनस y नॉट इज इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स नॉट स्क्वायर का x माइनस एक्स नॉट अब बताओ तो हो गया ना अब तो अब बताओ ए वाला पॉइंट कितना आएगा बताओ 2x नॉट कॉमा जीरो कैसे ये वाला पॉइंट कितना आ रहा डालो ना x को जीरो है ना कितना आ रहा बताओ इस वाले में डालो y को जीरो तो आएगा ना ये डालो y को जीरो कितना आता है माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स नॉट स्क्वायर इंटू एक्स आप तो करने को तैयार नहीं हो यार आप तो तुरंत गूगल मार के आंसर निकाल लेते हो सही नहीं है है ना कितना आ गया 2x नॉट तो ये पॉइंट कितना आ गया बेटा 2x नॉट कॉमा वन सिमेट्री क्या कहती है ये पॉइंट कितना आएगा धनंजय 0.2 एरिया कितना होगा अरे बात क्लियर है क्या हाँ सर ये बात समझ में आ रही है हाँ सर हाँ सर तुम लोग को एओडी की शीट मिली है क्या अभी नहीं मिली है नहीं मिली सर नहीं मिली ठीक है आपने सॉफ्ट कॉपी दिया था नहीं मैंने एलसीडी का दिया है एओडी का नहीं दिया मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का मिला है क्या नहीं मिला है ना नहीं सर नहीं सर ठीक कोई बात नहीं कल ट्यूसडे है ना हाँ सर कल ये दिक्कत है सुनो कल ना एक क्लास करूंगा मैं 6:30 से 8 तो उनका रखा है कल एक क्लास करूंगा मैं 9 से 10 तक ठीक है लाइट रात में रहती है 9 से 10 सबके यहाँ सर अरे ट्यूसडे सेक्टर 8 पनवेल सबके यहाँ लाइट रहती है ना 9 से 10 में ठीक है कल 9 से 10 में मैं आपको कुछ अभी होमवर्क लिख के दे रहा हूँ हाथ से टेंजेंट नॉर्मल के ठीक है तो वो मैं डिस्कस कर लूंगा कल ठीक है और कल मैं डिस्कस करूंगा आपका अरे हाँ एनसीईआरटी का आपने कहाँ तक किया था अभी आज 5.6 इसकी और सकता ही नहीं है मैं फिलहाल आपके पास एनसीईआरटी खुली हुई है क्या हाँ सर हाँ सर तो नहीं तो जिसने बच्चे ने वो भेजा ना मुझे लिंक गूगल ड्राइव वाला जो एनसीईआरटी डाउनलोड हुई है ना मैं उसे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा फोन में यही बंद हो जा रहा है बार बार क्यों हो रहा है ऐसा ये काम करता हूँ ना मैं तुम लोग को ही भेज के देखता हूँ कि क्या हो रहा है उसमें देखो ना कुछ है क्या काम का उसमें नेक्स्ट चैप्टर देखो नेक्स्ट चैप्टर ये तो बहुत हैवी लग रही है फाइल क्या दिक्कत है मैं समझ में नहीं आ रही है सर 5.7 में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक्सरसाइज है वही हो रहा है 6 पेज जा रहा हूँ कुछ तो फाइल में प्रॉब्लम है इस चैप्टर में मैं 10 पेज जाता हूँ और फिर वो पीडीएफ डॉक्यूमेंट बन के खाली कुछ तो प्रॉब्लम है इस फाइल में 5.7 और सर 5.8 तो मीन वैल्यू थ्योरम है किसी बच्चे ने कुछ तो भेजा है मुझे बट क्या करूं मैं उसका 5. हमने 5.6 तक किया है ना हाँ सर 5.7 में क्या है देखो तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव तो अब हाँ तो कल अपन 5.7 कल अपन 5.7 कर लेंगे 9 से 10 में और मैं कुछ हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन दूंगा वो कर लेंगे ठीक है ठीक है ओके तो आप 5.7 करना शुरू कर दो मैं